मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने भगवानपुरा में 1,13,86,000 की लागत से बनने वाले नवीन थाना परिसर का भूमि पूजन किया। इस दौरान भगवानपुरा विधायक केदार डावर ने कई मांगे रखी, जिस पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि जो मांगे विधायक डावर द्वारा रखी गई है वो सब पूरी होंगी। गृह मंत्री अपने एक दिवसीय प्रवास के लिए खरगोन पहुंचे थे। उन्होंने भगवानपुरा के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि शासन पुलिस महकमे के लिए अनेकों भवन बनाने की तैयारी कर चुका है। खरगोन में मैदानी अमले, राजपत्रीय अधिकारी और आरक्षकों के लिए 65 आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो शीघ्र प्रारंभ होंगे। इसके अलावा 120 आवासों की मांग आई है, उन्हें भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस तरह खरगोन में ही पुलिस महकमे के 185 आवास भवन कुल 35 करोड़ 35 लाख रुपए के नए भवन बनाए जाएंगे। गृह मंत्री बच्चन ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बने इस दिशा में कार्य किया गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 100 नंबर डायल की भी अगर कोई जरूरत है तो यहाँ DIG साहब, SP साहब और उनको हमारा पूरा महकमा यहाँ पर है। आप हमको रिपोर्ट बनाकर देना, आपको जितनी 100 नंबर डायल जो लगती है, जितनी मैं कर सकता हूँ मेरे लेवल पे मैं करूँगा। बाकी कहीं मेरे को जरूरत लगेगी मुख्यमंत्री जी की तो मुख्यमंत्री जी से कराकर हम आपको देंगे। बाकी अब बात सुन लीजिए आवासों की बात। हम अब खरगोन जिले में 65 आवास ऑलरेडी हमारे आवासों का काम चल रहा है, जिसमें मैदानी अधिकारी आवास भी है और अराजपत्रित अधिकारी आवास भी है और आरक्षकों के लिए आवास भी बन रहे हैं। ये लगभग अभी खरगोन जिले में 65 आवास बन रहे हैं, लगभग 12.5 करोड़ के, 12,50,00,000 रुपए के 65 ये बन रहे हैं और 120 के आसपास फिर मांग है और 120 जो आवास वो बनेंगे 22,86,00,000 के आसपास के हैं, लगभग 23 करोड़ के। तो 12.5 करोड़ ये 23-24 करोड़ रुपए है, तो हमको 24 करोड़ रुपए और देने की जरूरत है। हम वो 24 करोड़ रुपए भी मंजूर करते हैं और बहुत जल्द ये 12.5 करोड़ के काम होने के बाद हम वो आवास का काम भी आपका कर देंगे। आवास हो गया, बिस्टान थाना हो गया, एक वो 100 डायल हो गया और बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।